हेलो गाइस, सो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। अभी सुबह हो गया है जी, और मैं फ्रेश होकर के आ गया हूँ, देख ही रहे हैं। और बाकी जो है निशा बना रही है चाय, वो दिखाते हैं आपको कि चाय के साथ अब हम लोग नया चीज़ खाते हैं। आप लोग लगता है वीडियो में दिखाए हैं कि नहीं दिखाए? निशा नहीं नहीं दिखाया अभी तक ना। अब चाय में कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया हूँ, कुछ अलग खाता हूँ, ठीक है? तो वही आपको दिखाते हैं बैक कैमरा कर। निशा जी कहिए तो हम लोग अब चाय के साथ ये खाते हैं, मैरियो रस्क बिस्किट, जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। इस बिस्किट में इलायची भी डाला हुआ रहता है, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है खाने में। तो हम लोग एक पैकेट में कितना पीस, 8 पीस रहता है, तो 4 पीस हम खाते हैं, 4 पीस राहुल खाता है। ये हमारा यही सुबह का नाश्ता होता है। इसके बाद हम लोग कम से कम 2 या 3 घंटे बाद खाना खाते हैं। हाँ, तब तक हमारा खाना 1 घंटे बाद लग जाता है। हाँ, लग तो जाता है ये उसके बनाते लिए रखे बनाते टाइम पे टाइम लग जाता है खाना बनाने में। अभी जैसे कि देखिए चाय बना रहे हैं। हाँ। चाय बनाने के बाद हम बर्तन वगैरह धोएंगे, पीने होने के बाद बर्तन धोएंगे, बर्तन धोने के बाद सब्जी क्या बनेगा, जो खाना क्या बनेगा वो डिसाइड करेगा, राहुल बता देगा। अरे मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, तुमको समझ में नहीं आया तो तुम समझो क्या बनाना है। अबे वो तुम्हारा काम है, गृहिणी का काम होता है। अच्छा, गृहिणी का काम होता है, लेकिन जब खाना खाता है उसका भी ऑर्डर करना काम होता है कि नहीं आज ये बनाओ। हमको समझ में ही नहीं आता, कुछ ऑर्डर ही नहीं करता, हम जो बनाते वो खा लेता है ये। आप कुछ बताओ भाई, लोग इन्हें किया भैया, आप ऑर्डर वॉर्डर करो भाभी जी पे। सर भाई मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता है, क्या मैं कहूँ, जो भी बना देती है खा लेती है, खाने से मतलब रहता है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है क्या खाऊँ, जो बना देती है वो खा लेते हैं जी। और बाकी देखिए जल्दी से इसको अब चाय बनाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। और बाकी हम लोग सीएम घर आए थे 2 दिन पहले, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। उसका वीडियो अपलोड करेंगे बहुत टाइम के बाद भी, बिकॉज अभी सही नहीं है। अभी लड़का बोला कि 8-10 दिन अभी डिले कीजिएगा भैया अपलोड करने में। बोले कोई बात नहीं भाई, चिंता मत करिए, पर इतना ज़रूर बताऊँगा उसका विटनेस जो था ना, उसका ही कोई रिलेटिव था, है कि नहीं निशा? जो कि सरप्राइज है आपके लिए, है कि नहीं जी? तो देखिए चाय बन गया, और चाय और ये रहा इसके साथ रस्क। देखो निशा जी खाएगी कैसा, सुबह सुबह चाय और रस्क। पहले पता है जब हम इस हम रहते थे ना, 1 रुपया हम 2 को देता था निशा, कंपनी का नहीं रहता था, हम लोग इसको खड़खड़ गया खाते थे। मिल रहा था मुझे 1 रुपया हम 2 को नहीं, उसमें और ज्यादा था। हाँ हाँ, तो लेकिन पर हम वो नहीं लिया, मुझे उसका टेस्ट इसका सच में डिफरेंट। हाँ डिफरेंट है, वही बताएंगे कि हाँ डिफरेंट है, क्वालिटी में बिल्कुल अंतर है। चलो तो जल्दी से पहले खा पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई। क्या बताना चाह रही हो? क्या बता रही हो, फिर से बता दो थोड़ा। यही कि हम लोग में देखा देखी होता है ना, लड़का लड़की। अच्छा, मतलब शादी के लिए? हाँ, तो देखने के लिए आता है ना, तो हम लोग में बहुत तरह का नाश्ता दिया जाता है खाने के लिए। फ्रूट हो गया, फिर का ड्राई फ्रूट हो गया, फिर नमकीन में हो गया, फिर चाय हो गया, लौती कुछ बोलता है, लौंगलता, सौंफ वगैरह, लौंगलता नहीं। अच्छा, सौंफ। हाँ, मतलब इतना आदर सत्कार कि भाई लगता है कोई भगवान आ गया, जैसे होता है। और तुमको क्या किया जाता था? हमको छुपा दिया जाता था क्योंकि हम ज्यादा सुंदर थे, लंबा थे अपनी बहन से। अच्छा, मतलब आता था तुम्हारी बहन को देखने के लिए, और सब तुमको पसंद कर लेता था ना, बड़ी बहन को आता था देखने। हाँ, तो फिर हमको मेरे फैमिली वाले बोलते थे कि तुम नहीं आना उन लोगों के सामने, नहीं तो फिर ऐसे होते रहेगा तो कैसे होगा शादी बड़ी बहन का। तो तुम छुपी हुई रहती थी आराम से। हाँ, तो मेरा काम रहता था चाय वगैरह बनाना, नाश्ता उस्ता हम सर्व तैयारी वारी करना, सर्व नहीं करना। अच्छा, मतलब सर्व नहीं करेगी, नहीं तो पसंद आ जाएगी। ओ भाई, करना ही नहीं है भाई, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एक बार हम ही को ना पसंद कर लिया था। हाँ, कौन यार, लड़का वाला लोग हम ही को पसंद कर लिया था। तो ऐसे कैसे पापा हो गया? बोले कि पहले हम बड़ी बेटी को करेंगे ना। अच्छा। ना करेंगे इसकी, बोलना चाहिए कि नया लड़का तो देख रखे हैं हम लोग, इसके लिए चिंता का कोई बात नहीं है, लड़का भी इसको देख रखा है। कुछ ही बनेगा आज नहीं सर? आज अभी बनाने वाले हैं आलू का पराठा। राहुल, कुछ खाना समझ में ही नहीं आता है क्या बनाए, नहीं बनाए,
तो फिर सोचे चलो अभी ठंडी का टाइम है और पराठा बहुत अच्छा लगता है खाने में ठंडा के टाइम में, तो पराठा ही बनाएंगे। आलू का पराठा भी हम प्याज वगैरह काट लिए, लहसुन और लाल मिर्च, लाल नहीं वो हरा मिर्च था, 3-4 दिन से रखा रखा लाल हो जाता है, तो वही डालने वाले हैं। अच्छा ये सीटियां मार रहा है ना, तो उसमें अभी गैस ऊपर चालू है ना यार, फिर भी सीटी सीज गया है आलू, इसमें से निकल रहा है ना गैस। अच्छा निकालो यार, नहीं सर ओ भाई गिर गया, गिर भी गया। भाप कितना निकलता है, यही भाप तुमको लेने के लिए कहेंगे यार। स्टीम, हाँ स्टीम, आप सब लोग भी स्टीम लीजिए, ठंडी में स्टीम लेने का अलग ही फायदा है, अलग ही अच्छा लगता है। गर्मी में तो भाई खतरनाक लगता है लेने में, रास नहीं होता था, अंदर लगता था कब बाहर निकल जाए, लेकिन खूबसूरत भी तो दिखना रहता था, झेलना पड़ता था। गजब यार, तुम लड़कियों का ऐसे ही, हम ही लोग बिंदास है। ओ भाई आटा सना गया, इतने आटा बनाएगी नहीं आज ना, मतलब समय देखते हुए बनाना है ना राहुल, मतलब ये कि जितना चोखा है उसी के अनुसार ना आटा सानेंगे। अच्छा इतना है चोखा, कटौती यो छोटका है यार आटा सानने वाला। हाँ सोच मत, कुछ बड़का निकाले छोटके में कर देते हैं। अच्छा आप लोग को एक चीज दिखाते हैं, देखो मौजा इसका। ये मौजा कहाँ का है राहुल बता दो। मनाली की है, 200 रुपया में 2 जोड़ा, बकवास एकदम, देखो अपने आप ढीला हो गया। रात में तो खुल जाता डायरेक्ट, अडायरेक्ट हम उसे पहन भी लेते बिना हाथ उठ लगाए हुए। सही है भाई यार, पैसा बर्बाद हुआ है, सब ठग लेता है उन्हें, लेकिन महंगा इलाका बहुत महंगा है, तो ठगता है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। पैसा ले रहे हो तो भाई क्वालिटी दो, फ्री का पैसा नहीं आता है। सच में पैसा लेता है लेकिन क्वालिटी नहीं रहता, लगता है एक ही बार पहने लायक, बोला था क्या लिखो पे कोई सब ना, तो मतलब भीगेगा नहीं पैर आपका, अब भीग गया तो पूरा एकदम बर्फ हो गया, कनकनी मार रहा था, तो कनकन हो गया था एकदम, लग रहा था कि सॉक्स कब खोले, और जब सॉक्स को खोले ना तब अच्छा फील हुआ था पैर में, ऐसे लग रहा था कि बाप रे बाप पता नहीं क्या हो गया है पैर में, कोई क्वालिटी नहीं था मोजा में, देख रहे हो मोजा का हाल क्या हो गया, तो बिल्कुल ढीला हो गया, कि पैर रात में पैर पहन के सोते हैं ना तो पैर से निकल जाता है, अभी ना हाथ लगाए हम पहन भी लेते हैं पैर पैर में ही, सोचो कैसा हाल है मोजा, तो सोचो पहन के ही ठंडा हम खत्म कर देंगे। अब लिखो फेंको ये सब, मेरे लिए काट वाट के रेडी भी कर दी। थैंक यू चोटी, लव यू मेरी जाना। डू यू वांट टू से समथिंग नाउ? प्लीज से समथिंग फॉर मी। Show, watch it. This is made by Nisa for me, which I will eat, and also I will taste and give her feedback. How's the taste of it? So carry on in the vlog. So you can see, she has cut this in lots of bites. Yeah, pieces. ये बड़ा ही बेड कुटूर कुटूर करते रहता है यार, निशा दिमाग खराब हो जाता है मेरा, कमजोर लगता है बेड है हमारे सामने, हम लोग के सामने नहीं। हाँ, तो है। क्या है कमजोर? अच्छा, लोगों के सामने है। पहलवान, चलो मैं खाता हूँ, पहलवान होना चाहिए। गरम है अब बनाई है निशा, तो टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट के लिए कुछ बोलने की जरूरत थोड़ी है मेरी जान, सुपर है, सुपर से भी सुपर। ये है मेरा पराठा नंबर 3 है ना जी, तो इसको काटोगे या ऐसे ही खा लूं? तुम कैसे खाना चाह रहे हैं? काट देती हो तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। काट रहे हैं, इसको बेलने दो। ठीक है जी, बेल लीजिए। ठीक है जी, वो मेरा उंगली बच गया। थैंक यू मेरी जान। खाना वाना खा करके, 3 पराठा खा करके मैं फ्रेश हो गया हूँ, क्या बोलो? फाइनली अब कंप्लीट हुआ, जाकर खड़ा खड़ा थक गई हूँ, तो तुम्हें ही तो किचन चाहिए था खड़ा खड़ा बनाने के लिए। हाँ, बट मैं जहाँ पर लाइट ऑन करो नहीं वाला भाई,
वो बंद कर दो उधर वाला। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना वो मतलब काटा काटा वाला है, तो पैरों में बहुत लग रहा है, वो लग रहा है फिर सब लग हाँ ना लगता है। सॉक्स पहन ली, उसके बाद भी लग रहा है कि एड़ी पत्थर हो गया मेरा, ऐसा लग रहा है इसीलिए। बाकी कोई बात नहीं, कोई नहीं, जल्दी जल्दी ये सब तुम कंप्लीट। आप लोग को इस ब्लॉग में बने रहना, आप लोग को कपल के बारे में बताते रहेंगे हम लोग। हाँ अभी कपल से जो चैट हो रहा है ना उसका डिटेल आप लोग को बताएगा थोड़ा। हाँ तो चलिए आपको पहले वो जो बोले थे एक बात बताना था जी, वो बता देते हैं। बात ऐसा है कि एक कपल था फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, तो उन्होंने अपना मैटर बता रहा था कि वो अभी तो यहाँ आया हुआ है जी करोल बाग में, वो स्टे कर रहा है ना होटल, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एक वही यूट्यूब चैनल के थ्रू एक से हमने कांटेक्ट किया था जी, जिन्होंने हमें चार्ज बताया इतना इतना सीएम के लिए, 37 बोला उसका भी सब कुछ मिला करके। जो भैया मुझे वो तो समझ में, बात पैसों की तो दिक्कत नहीं भैया, बट मुझे आपका वीडियो जब देखे ना तो आप पे ज़्यादा हो गया ट्रस्ट जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ आपके थ्रू करना जी आप, ताकि मिल करके आप करवा दो। तो बोले ठीक है ब्रदर कोई दिक्कत नहीं, आप कन्फर्म हो लो बढ़िया से आपको हमारे थ्रू करना है या उन्हीं के थ्रू। बोला नहीं नहीं भैया करना है जी आप ही के थ्रू। बोले कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हेल्प करेंगे जी। और पता है वो गांव से आया था पहले, अपना वो सीएम गया था ठीक है मई में, नोटरी पेपर पे हुआ वो खुद बोला, नोटरी के लिए उसका 30K लगा था, 15K बोला फेरा वेरा का लगेगा और 15K सीएम का लिया था वहाँ नोटरी पेपर पे, ठगा ठगी हो गया वो बता रहा था। तो ये चाहते आप लोग क्या बोला था लगा कि आप 6-7 दिन यहाँ से बाहर चले जाओ, फिर वहाँ जाके प्रेरणा कहीं मंदिर में कर लेना, फोटोज वगैरह डाल देना अपने स्टेटस, मंदिर में मैरिज वगैरह करके उसका फोटोज अपलोड कर देना, कुछ नहीं होगा, फिर आकर के बयान दे देना। नोटरी पे काम किया था जब आपने, काम जब सब कुछ जेन्युइन किया है जी, तो हम घर छोड़ करके क्यों जाएं। बहुत सारे कपल आते हैं घर चले जाते हैं सीएम करके, बहुत कोई यहाँ नहीं रहता, बहुत कोई घर चले जाते हैं, तो क्यों नहीं जाएगा मेरे भाई। जब आप काम जेन्युइन कराते हो तो क्यों रुकेंगे जी। और आप ऐसा क्यों बोलोगे कि आप आउट ऑफ सिटी चले जाओ वहाँ पे, तो दिस इज नॉट फेयर। हाँ जी, तो ये सोचे शादी करके फोटो खींच लेना, फोटो खींचने के बाद आप वहाँ स्टेटस लगाना या फोटो भेज देना ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि आपने मंदिर से शादी कर ली। जब आप वो कर ही लेगा खुद से तो फिर आपको पैसे देने का क्या फायदा, फिर आगे लिए क्यों लिए फिर आप पैसा। दिस इज नॉट फेयर, इसीलिए कपल लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे, सब लोग सावधान रहिएगा इन सब चीजों से, बहुत फ्रॉड होता है सबके साथ। हाँ जी, तो ये आप लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे कि मत पड़ो चक्कर में कोई नहीं आपके भाई के टक्कर में, ठीक है, ध्यान रहे। तो आपको भी सीएम करना होगा, इंस्टा पर कॉन्टेक्ट कर लेना, इंस्टा की आईडी राहुल जेकर 00, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नाम यहाँ देखो लिख दिए, वहाँ के थ्रू पहुँचिए, बिल्कुल कराएंगे। अब मंडे को जाकर के उस लड़के का सब कुछ काम कराना है, ठीक है। आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, बनाएंगे, अगर जो वो लोग कंफर्टेबल हुआ तो मैं बना लूँगा उनके साथ वीडियो, है कि नहीं। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे क्योंकि अब इवनिंग हो गया, अब हम लोग रेस्ट करेंगे, अपना अपना फ़ोन चलाएंगे। अभी 1.5 घंटा से उसी से मैं बात कर रहा था, 8 to 8 उसका क्वेरी हमने जी सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। बाकी मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, अच्छा लगा ब्लॉग देख करके लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, हेल्प के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर मिलना, रूम जॉब या मैरिज कोई भी हेल्प चाहिए होगा बिल्कुल करेंगे भाई। जय हिंद दोस्तों, बाय।